Yo, what is up YouTube? Welcome back to another video. You're watching Dano Homo. So, आज के दिन हम जा रहे हैं मुगलपुरा, जो एक जगह है जहाँ से मिलते हैं हेलमेट। यस, हम हेलमेट खरीदेंगे क्योंकि हमारी अम्मी की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी हमसे कि हम हेलमेट खरीदें, क्योंकि हम ज्यादातर सफर करते हैं बाइक का, तो हेलमेट जरूरी होता है। तो हम वहाँ जाएंगे और खरीदेंगे और आपको अपने साथ लेकर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी जाते जाते एक अपडेट देता चलूं। हमारा जो बकरा था, बकरी है यानी, उसका नाम बख्तावर है, वो अभी यहाँ पर बैठी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, उसका प्यारा सा हमने गद्दा लगाया हुआ है और ये मज़े में है। ब्लू आइज बहुत ही हमें तंग करती है और मेरे सारे फेवरेट पौधे खा गई। मैंने खजूर के पेड़ लगाने की कोशिश की तो पौधा बना था और वो देखो सारे खा गई। ये देखो सारे पौधे मेरे खा गई। ये देखें, जैसे कि आप देख सकते हैं, मुझे इतना दुख हुआ, मुझे कुछ कहने हद नहीं, तो मैंने उसको अब थोड़ा परे करके रख दिया इसकी पहुंच से दूर। तो चलिए चलते हैं। पकड़ने में बहुत ज़्यादा मजबूत लगे, ये हमारी थिंकिंग है। और अभी हमने एक दुकान वहाँ पे थी, यहाँ पे हमने तलाश की है और हमने वो देखा है, लेकिन वो हमें पसंद नहीं आया। लेकिन जो इस दुकान पे हमने पता किया था ना, वो
वो हमें अच्छा लगा तो वो हमने एक नज़र में रखा, लेकिन हम बाकी और मार्केट देख लें और फिर जब पसंद आएगा तो आपको बता दें। मार्केट है और यहाँ हम आए हैं हेलमेट खरीदने बोहरा ऑटो से। यहाँ पे बेहतरीन हेलमेट्स मिलते हैं, हमने काफी रिसर्च की है, काफी ज्यादा रिसर्च के बाद हम यहाँ लोकेशन पर पहुंचे। तो ये दुकान ढूंढने में हमें काफी मसला हुआ, लेकिन लोगों से पूछकर हमें दुकान मिल गई। इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे हेलमेट्स की अच्छी वैरायटीज मिलती है और अच्छी दामों में भी मिलती है काफी, और वो चीज जो होती है वो पायदार होती है, यानी 10 ईयर्स तो चलना बहुत ही आराम से निकाल देते हैं। जो आपकी एक्सपेक्टेशन होंगी हेलमेट के लेकर वो यहाँ पर पूरी हो सकती है बिल्कुल। तो आइए देखते हैं हेलमेट्स एंड लेट्स चेक इट आउट द स्टोर। जैसा कि आपने हेलमेट्स देखे वो काफ़ी अच्छे हैं और इम्पोर्टेड भी हैं, वो इम्पोर्ट हुए हैं थाईलैंड से बिल्कुल। इम्पोर्टेड हेलमेट्स हैं, इंडिया के भी हैं, पाकिस्तान के भी, पाकिस्तान के, थाईलैंड के। लेट्स चेक इट आउट कि हमें कौन सा पसंद आता है, कि दानू भाई को कौन सा पसंद आता है। जैसे कि आपने हमारा ये हेलमेट देखा है, ये मेरा हेलमेट है, ये मेड इन इंडिया है और ये बहुत ही बेहतरीन है, रिप्ले वालों का है। चलिए, और इसकी हमें सबसे अच्छी बात ये लगती है कि अगर जितनी भी हाई स्पीड पर चला लो ये इस तरह नहीं होता। ये कोई हेलमेट होता है, हवा का प्रेशर जो होता है आंखों के आगे आ जाए, काफ़ी वो डिसएडवांटेजेस होते हैं हेलमेट्स के, वो हम ही जानते हैं क्योंकि हम चलाते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इन द स्टोर। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? हमें कोई अच्छा सा हेलमेट दिखाएं। और गाइस, अगर आपको बेस्ट हेलमेट इन पाकिस्तान लाहौर चाहिए तो ये दुकान गोहरा ऑटो स्पेशल फॉर यू गाइस, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल हेलमेट हैं। और चलिए आपको मैं हेलमेट के कलेक्शन दिखाता हूँ। कैसा है ये? बहुत ही अच्छा, ये काफी स्पोर्ट्स टाइप है और इसका आप डिजाइन देख सकते हैं, काफी फिनिशिंग होगी डिजाइन पर, वो है ताकि ये यूं ना हो जाए हवा से, जिस तरह जो हम आपको बात बता रहे थे ये वो इशू है। अब आपको यहाँ से क्वालिटी दिखाता हूँ। ये चीज़ जो है हम आपको यही बता रहे थे कि जब स्पीड में हम बाइक चलाते तो हेलमेट हमारे आंखों के विजन के सामने आ जाता है, ये जो चीज़ है वो इसी चीज़ को बचाने के लिए, ताकि वो चीन के ऊपर रेस्ट करें। वो सिर्फ इंडिया Look at the design, guys. Amazing. So guys, जो जिस हेलमेट की हम तलाश में है वो ये है कि जो बैक सीट पे जो पैसेंजर बैठता है उसके लिए हेलमेट हम तलाश में है, और जो मेरी नज़र में है, जो हम विजन करके आए कि ये है कि वो नॉर्मल सा हेलमेट हो, ना ज़्यादा हाई एंड भी ना और ज़्यादा नकली भी ना हो, यानी कि जो समझते हैं ना जल्दी टूट जाए नहीं,
तो हमें ये वाला हेलमेट पसंद आया है, इस तरह का नॉर्मल सा लेकिन अच्छा सा। तो ये मैं आपको पहन के दिखाता हूँ। इसकी हमें सबसे अच्छी बात ये लगी क्योंकि बहुत अंदर से स्नग है और ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं है और एकदम कंफर्टेबल है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आप हमें कमेंट्स में बताइए, एक ये है ऑप्शन, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है, ये भी बहुत ही प्यारा है, ठीक है, सेम क्वालिटी और सेम मटेरियल। उसके बाद जो है अल्ट्रॉन स्टाइल हेलमेट, ठीक है, ये भी मैं आपको पहन के दिखाता हूँ, बिल्कुल। तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा वाला अच्छा लगा। ये वाला भी बहुत ही प्यारा है, एंटीक है, ये वाला भी बहुत ही प्यारा है। तो अब हमें इन दोनों में से कोई ना कोई सिलेक्ट करना होगा जो हम वो खरीदें, जो आप खरीदो, क्योंकि पहनना तो आपने। मैं खरीदूं, सही है, ओके। तो गाइस, मुझे ये वाला हेलमेट पसंद आया क्योंकि इसके अंदर ये है और ये प्यारा सा डिज़ाइन बना हुआ है, बहुत ही एंटीक सा इसका डिज़ाइन है और कलर बहुत ही प्यारा है, नॉर्मल है, जो स्किन टोन के साथ मैच करता है। और इसके साथ एक ये मास्क भी है जो हम पहन सकते हैं, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो इसके साथ हमें मिलते हैं दो स्टिकर्स और इसके साथ ये वो मास्क है जो हम मुंह पे पहन सकते हैं। ये मुझे लगता है ये स्कल मास्क है क्योंकि इसके ऊपर ये एक स्कल सा डिज़ाइन बना हुआ है। तो विल गेट इनटू इट आफ्टरवर्ड्स व्हेन वी परचेज दिस आइटम, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मेक इट अ डील। ऑलराइट गाइस, लेट्स मेक अ डील। अब हमने जो हेलमेट है ये मुझे भी वाकई पसंद आया, तो अब हम इसकी प्राइस पे करके को पहन के घर जाते हैं। वैसे ही बहुत ये अब हमने ले लिया, बस ये हमें चाहिए। लेट्स फाइंड आउट। इस हेलमेट की कीमत है 8000 रुपीस, जो हम पे करने वाले हैं। ले लो, लेट्स गो। अब मैं उठाता अपना ये वाला हेलमेट और अपना मास्क। पहनो मास्क, पहन लो पहले। निकालोगे ना तो आपको सारे निकलेंगे, yahoo.com वगैरह जो भी। यहाँ का कार्ड है, ये हमारा बिल है और अंकल ने हम अपना कार्ड भी दे दिया है। इसको मैं रखता हूं, इसलिए नहीं आ रहा, लेकिन कोई भी खोलने वाला हेलमेट सेफ नहीं होता। ओके, बहुत देर हो गई, अब हम चलते हैं सीधा घर और आपको ये घर जाके ही दिखाएंगे, ठीक है दानू भाई, क्योंकि हम वाकई लेट हो रहे हैं। ओके, बाय बाय। गाइस, तो अब मैं आ गया हूँ घर अपने और मेरे हाथ में मेरा हेलमेट है। तो चलिए इसको जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ, बिकॉज आई कांट वेट टू गेट स्टार्टेड। जल्दी से जाऊँ अभी और इसको मैं हेलमेट को मैं अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाता हूँ। बहुत ही प्यारी इसकी प्रेजेंटेशन है और ये रहा हमारा हेलमेट इटसेल्फ। वाओ, इसके साथ तो इसका बैग भी है और ये हमारी वो रसीद है, ठीक है, ये इसका बॉक्स है और ये इसका बैग है। मैं यही परेशान हो रहा था कि हम इसके अंदर इसको लेके कैसे जाएंगे। तो हियर इट कम्स, द बैग एंड द ब्यूटी इटसेल्फ। वाओ, तो इसके अंदर ये भी है, छोटा सा गिफ्ट था, छोटा सा गिफ्ट था ये हमारे लिए। और ये जो है, तो ये फेस मास्क है जो हम अपने शक्ल पे पहन सकते हैं, चेहरे पर, यहाँ आँखें। तो ये बहुत ही काम आने वाला है हमारे, क्योंकि इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत ही ठंड पड़ती है लाहौर के अंदर, तो ये बहुत ही एसेंशियल चीज़ है। तो हेयर कम्स द स्टिकर, जो कि एक एड है, यानी कि इसकी ब्रांडिंग है, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई और एक ये है स्टिकर जो इसके साथ आया है। There you can see the name of the company and let's unbox the face mask. This looks so beautiful.
ओके गाइस, तो अब मैं आपको ये पहन के दिखाता हूँ फेस मास्क। ओके चलिए एक सेकंड, इसको मैं यूं रखता हूँ, सही तरह पहन लेता हूँ। ओके सो दिस इज हाउ इट्स लुक अमेजिंग, हियर इज द साइड व्यू एंड हियर इज द साइड व्यू। ओके एंड आई एम रियली एक्साइटेड। ओके तो गाइस मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में।